भैया आपका क्या नाम है? अनिल कुमार पटेल। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रीवा, पहले अब मऊगंज जिला बन गया है नया, उसका मैं हूँ, मध्य प्रदेश का। जी, आप अपने पिताजी का इलाज कराने आए थे? हाँ, यहाँ किडनी का इलाज कराने आए थे, आयुष ग्राम चिकित्सालय। आयुष ग्राम चिकित्सालय में जी। तो कब से है आपको पिताजी को किडनी की समस्या? ये सितंबर 2022 से है समस्या, उसी समय हमें पता चला तो लेकर गए वहाँ एलोपैथिक हॉस्पिटल नागपुर में। जी, वहाँ एक महीने की दवाई लिया, फिर इसके बाद वहाँ थोड़ा क्रिएटिनिन बढ़ रहा था। हाँ जी। वो डायलिसिस के लिए बोले। अच्छा। कि अगले महीने से डायलिसिस होगा, तो फिर मुझे वहाँ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने मोबाइल में सर्च करने लगा, हॉस्पिटल ढूंढने लगा कि कोई अच्छी हॉस्पिटल मिले। अच्छा। मुझे ये आयुष ग्राम चिकित्सालय सर्च करने पर मोबाइल में मिली, तो मैं पता लगाया और यहाँ नंबर था तो संपर्क किया, तो बोले कि आ जाओ यहाँ, हमने पहली बार दिखाया, 8 दिन की दवाई लिया था जी। तो उसमें थोड़ा राहत मिला, 0.5 क्रिएटिनिन कम हुआ। फिर बोले सर यहाँ डॉक्टर साहब के भर्ती कर दो। अच्छा, एडमिट करने के लिए बोले जी, तो जी। हमने 21 दिन के लिए यहाँ भर्ती किए। जी, फिर उससे थोड़ा थोड़ा आराम होने लगा, तो हम आज तक अभी दिखा रहे हैं, हर महीने लेकर आते हैं। तो अब लगभग कितना आराम है पिताजी को आपके? ठीक है, पहले चल नहीं पाते थे। अच्छा, थोड़ा पहले नहीं चल पाते हाँ, थे? थोड़ा बहुत चलते थे लेकिन ज्यादा नहीं, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर नहीं रह पाते थे, सांस फूलने लगती थी, थक जाते थे। जी। और अब वहाँ तक चले जाते हैं, घूमते हैं और आ जाते अब हैं, स्वयं से चल फिर पाते हैं। हाँ, अपना काम कर पाते हैं। हाँ, तो कमजोरी इत्यादि सब सही हो गई है? हाँ, सही है। तो यहाँ के इलाज से आपको लाभ हुआ किडनी का? हाँ, यहाँ से बहुत लाभ तो हुआ। डायलिसिस करवाना पड़ा फिर कि नहीं? नहीं करवाए तो आयुष ग्राम चिकित्सालय के बाद, इलाज के बाद आपको डायलिसिस नहीं हम करवाए करवानी पड़ी? अच्छा, एलोपैथ में यदि करवाते तो वहाँ शायद करवाना पड़ता। हाँ, वहाँ अगर जाते तो डायलिसिस बोले थे नागपुर में। अच्छा, इसलिए वहाँ से आप? वहाँ से फिर हम नहीं ले गए कि डायलिसिस तो लास्ट जा रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ नहीं डायलिसिस के लिए बोला गया? यहाँ क्या नहीं, यहाँ बोला गया? डायलिसिस के लिए नहीं बोला गया, ये बोले कि भर्ती कर दो। हाँ जी आराम हो जाएगा, तो हमने भर्ती कर दिया। जी। जी तो यहाँ पे आपको डायलिसिस से भी छुटकारा मिला, आपको जी नहीं कराना पड़ा, आराम लग रहा है धीरे धीरे? हाँ हाँ धीरे धीरे हो रहा है, एकदम ठीक है, फिजिकली ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। जी तो आयुष ग्राम चिकित्सालय चित्रकूट में जो है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आयुर्वेद ट्रीटमेंट इलाज कैसा होता है, आपको आपका तो अनुभव है कि मतलब? जी अब मेरा 1.5 साल का अनुभव है, मेरे पिताजी के किडनी की खराब थी, तो आयुर्वेदिक दवाई तो बहुत अच्छी है, जी इसलिए सभी को एलोपैथिक छोड़कर आयुर्वेदिक की ओर आना चाहिए और अपना स्वास्थ्य लाभ लेना चाहिए। और ये आयुष ग्राम चिकित्सालय जैसे हॉस्पिटल बहुत अच्छी है, यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, पूरी आयुर्वेदिक दवाई की जाती है, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी द्वारा। पंचकर्मा भी होता है यहाँ? यहाँ पंचकर्मा भी होता है, पिताजी अच्छा। का भी हुआ है हमारे। जी 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 जब भर्ती थे। तो यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के जो नर्स है, स्टाफ है, कैसा लगा आपको? यहाँ के डॉक्टर और नर्स जो है बहुत अच्छी है, सब पूरा ख्याल रखते हैं, सही समय पर पूरा इलाज करते हैं, जो जैसा है सब व्यवस्था करते हैं, कोई यहाँ दिक्कत नहीं पड़ती है। जी जी आप श्री नाम राम नरेश पटेल है ना, रीवा मध्य प्रदेश से हैं? हाँ, जी। तो 96 से आपको बीपी की समस्या थी? हाँ। और उस समय पेट दर्द होता था, बुखार भी आ रही थी आपको? सितंबर 2022 उसी समय किडनी की समस्या हुई, बीपी की दवा खाते खाते। हाँ। है ना, हमारे यहाँ आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। हाँ। 23 सितंबर 2022। हाँ। तो आप बताएं कैसा लग रहा है आपको, कितना रिस्पांस है, क्या हुआ? हो गया, पहले जो है 1 किलोमीटर भी हम नहीं चल पाते थे। जी। थकान महसूस होता था ज्यादा, मोटरसाइकिल से जाते थे अगर जाना होता था, और अब जो है पैदल ही चले जाते हैं और थकान नहीं मारता। अभी जो है 2-3 दिन पहले जांच करवाए थे गांव में। जी। तो 120-80 होता है थे। आवाज जैसा हो आज। एलोपैथिक मेडिसिन तो कोई नहीं, कोई चल नहीं रही है, बीपी की दवा भी बंद हो चुकी है आपकी। बीपी की दवा बंद करने के बाद भी आपका बीपी अभी ठीक रहता है? बीच में आपको सीने में दर्द होता हो रहा था? सीने में एक बार दीपावली में दर्द हुआ था। जी। फिर हमको मयूरन जो है, जब सीने में दर्द हुआ तो रीवा जाना पड़ा हमको, और वहां जो है तो दिखाए तो दवा के, उससे जो है थोड़ा, फिर इसके बाद यहाँ दिखाए। उसमें भी अब आराम है? हाँ, उसमें भी आराम, जब से दिखाए तब से जो है तो नहीं देखा। जी।
और जब से मेरी दवा स्टार्ट हुई है तब से एक बार हमको बुखार आया है और तब से ही आज तक बुखार नहीं आया। क्रिएटिनिन था आपका 6.4 जी, पोटेशियम 6, सोडियम 146.9, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 102 और यूरिया था आपका 47.9। फिर इसके बाद से आपका मेंटेन चल रहा है, अभी भी आपका क्रिएटिनिन है आपका, आज की जो रिपोर्ट है हीमोग्लोबिन है आपका 10.5, क्रिएटिनिन 5.3, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 51 और ब्लड यूरिया है 109। इस प्रकार से हीमोग्लोबिन जो है तो 11 तक गया है, और जो पहले तुरंत चलने में सांस फूलने लगती थी उसमें आराम है। सबसे बड़ी बात है आपका जो एल्बुमिन 3+ में जा रहा था वो आपका 1+ में आ रहा है, यूरिन की रिपोर्ट बहुत अच्छी है आपकी, इससे आपको वीकनेस वगैरह ठीक रहे आपकी। और बताइए आप पूछिए।